देखो सब लोग, एक कर्ता के स्थान पर प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है? कर्ता के स्थान पर। ध्यान से सुनो पहले सब लोग, यच ई ही माने वह पुरुष के लिए, जहाँ पुरुष की बात आती है वहाँ वह के लिए क्या होती है? ई। यस यच ई सी सी माने वह स्त्री के लिए, आई टी इट माने वह निर्जीव के लिए, आई आई माने मैं, वाई ओ यू यू माने तुम या आप, डब्ल्यू ई वी वी माने हम, टी एच ई वाई दे दे माने वी। ये है कर्ता कारक, कर्ता के स्थान प्रयोग होता है। ही सी इट ये क्या है? एक वचन है। और आई यू वी दे क्या है? बहुवचन है। ठीक, अब आगे तो कर्म कारक के रूप में देखो, एक वचन में जो है हिम एच आई एम, हिम माने उसे या उसको पुरुष के लगता है, किसके लिए? ही का कर्म कारक हिम होता है, ठीक है। और सी का कर्म कारक हर होता है, एच ई आर हर, हर माने उसे या उसको, आई टी इट इट माने उसे या उसको, निर्जीव के लिए होता है, ठीक है। यम ई मी, मी माने मुझे या मुझको, वाई ओ यू यू माने तुम्हें या तुमको, ठीक है। यू यस अस माने हमें या हमको, टी एच ई एम देम माने उन्हें या उनको, ठीक है। इधर देखो एच आई एस हिज, हिज माने उसका या उसकी, एच ई आर हर, हर माने उसका या उसकी, आई टी एस इट्स, इट्स माने उसका या उसकी, एम वाई माई, माई माने मेरा, एम वाई माई माने मेरा या मेरी, वाई ओ यू आर योर माने तुम्हारा या तुम्हारी, ओ यू आर आवर माने हमारा या हमारी, टी एच ई आई आर नियर माने उनका या उनकी, ठीक है। एच आई एस देखो ये जो है संबंध कारक होता है, जैसे हिज बैग, हर हर बैग, इट्स बैग होता है ना, माने इट्स टेल इसकी पूछ। यहाँ जब सर्वनाम की बात आती है तो यह झोला मेरा है, दिस बैग इज माई, यह झोला उसका है, दिस बैग इज हिज, बात समझ गए? ये सर्वनाम के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ क्या होगा? हिज पुरुष के लिए, हर्ष स्त्री के लिए, इट्स निर्जीव के लिए, माइन आई का क्या होता है? माइन, यू का योर्स, और वी का आवर, दे का देयर, ठीक, और अपना की अंग्रेजी, ही का अपना ही, सी का अपना हर, इट का अपना इट, आई का अपना माई, यू का अपना योर, वी का अपना आवर, और दे का अपना देयर, ठीक है। ये सभी को याद करना है फटाफट, जल्दी से याद कर लो सब लोग।